घर का फ्लोर क्लीन करना और वो भी बैठ के पोछा लगाना रियली एक बहुत टफ टास्क है ना, आई नो गाइस। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी एक प्रोडक्ट का रिव्यू एंड डेमो जो आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो गाइस स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं गाइस। वैसे तो बैठ के पोछा लगाना एक बहुत अच्छी हैबिट है आपकी हेल्थ के लिए भी और आपके घर के फ्लोर के लिए भी, क्योंकि उससे आपका घर का फ्लोर बहुत अच्छे से क्लीन होता है और आपकी बॉडी भी, बॉडी के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है बैठ के पोछा लगाना। बट आई नो ये इतना इजी भी नहीं है, बहुत से लोगों को बैक पेन की प्रॉब्लम होती है या फिर वो इतना हैबिचुअल नहीं होते हैं बैठ के पोछा लगाने के लिए, और ऐसी कंडीशन में अगर किसी दिन आपकी मेट छुट्टी पे है तो माय गॉड हालत ही खराब हो जाती पूरे घर पे सफाई करने में। या फिर अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपकी मेनिक्योर किए हुए ब्यूटीफुल से हाथ पोछा लगाने में गंदे हों, तो यस ये प्रोडक्ट बिल्कुल आपके लिए है। और वैसे भी घर में एक इस टाइप का स्टैंडिंग पोछा तो होना ही चाहिए गाइस, क्योंकि कई बार क्या होता है कि घर एक बार क्लीन भी कर दिया फिर भी हमें दिन में 3-4 बार घर क्लीन करना पड़ता है बाहर से कोई गंदे पैर लेके आ जाए, या फिर किचन के आसपास का एरिया हमें दिन में 2-3 बार क्लीन करना पड़ता है जब भी हम वहां पे कुछ खाना वगैरह बनाते हैं, या फिर अगर घर में छोटे बच्चे हैं तब तो पूछो मत, वो दिन भर घर में कोई ना कोई चीजें गिराते रहते हैं तो हमें फ्लोर साफ करना ही पड़ता है। तो यस ये प्रोडक्ट आपकी वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा और बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है फ्लोर क्लीन करने के लिए। तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर देते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो देखिए गाइस ये कुछ इस तरह की पैकिंग में आया है, तो ओपन कर लेते हैं इसको और दक्ष मेरी हेल्प कर रहा है इसको ओपन करने में, उसको बड़ा मजा आता है चीजों को अनबॉक्स करने में। तो ये हमने अनबॉक्स कर लिया इसको और ये देखिए इस तरह की बॉक्स के अंदर आता है ये। दिस इज हेल्दी स्प्रे मॉप। कैसे स्प्रे मॉप काम करता है वो मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी। और ये देखिए ये कुछ इस तरह से होगा, एक बॉटल है जिससे आप पानी स्प्रे होगा। तो चलिए खोल लेते हैं और सारा सामान इसके बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए गाइस सबसे पहले ये एक इस तरह का पैड है, स्क्रब पैड है। दिस इज माइक्रोफाइबर मॉप कह लीजिए आप इसको, या क्लीनिंग पैड कह सकते हैं आप इसे। और बेस्ट पार्ट इसमें यह है कि ये रिमूवेबल है, आप इसको इजीली यहां से निकाल के वॉश कर सकते हैं। वैक्यूम से ये चिपका हुआ है तो ये इस तरह से आप इसको पूरा निकाल के वॉश कर सकते हैं। ये यहां पर फिक्स होगा आई थिंक जो भी रॉड है, और काफी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है गाइस। और ये एक रॉड है साथ में और एक ग्रिप के लिए एक रबर की ग्रिप दी हुई है और अच्छी क्वालिटी का एल्युमिनियम लग रहा है ये। चलिए अब बात करते हैं इसके स्पेशल फीचर की। ये बॉटल आपको लग रही होगी और आपको लग रहा होगा इसमें वाटर बॉटल का क्या काम है, तो गाइस ये वाटर बॉटल है इसपे स्प्रे करने के लिए। और मुझे यही इसका सबसे बेस्ट पार्ट लगा है कि ये काफी हद तक आपका पानी भी सेव करेगा। और ये बॉटल को, चलिए पहले रॉड की बात कर लेते हैं, तो ये दूसरा रॉड भी मिल गया हमें, इसे हमें आपस में अटैच करना है। तो कैसे असेंबल करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए इस तरह से आप इसमें फिक्स करेंगे, बहुत इजी है करना ये। आप इसमें ये दो पॉइंट्स देख रहे हैं, इसमें जस्ट आपको ये जो भी होल वाला एरिया है उसमें आपको ये इस तरह से फिक्स करना है और बस ये हो गया। और अगर जब आपको इसे क्लीन करने के लिए निकालना हो तो इसे ऐसे प्रेस करिए, ये इजीली रॉड अलग हो जाएंगे। ओके गाइस तो ये अभी अच्छे से लॉक हो गया है। तो चलिए इस बॉटल को फिक्स करने से पहले हम मॉप को फिक्स कर लेते हैं। ये देखिए मॉप को कुछ इस तरह से आपको फिक्स करना है, ये जो रॉड के नीचे साइड आपको इस तरह का ये दिख रहा है एरिया, और मॉप को आप पहले ऐसे नीचे रख दीजिए, उसके बाद जस्ट इसमें रॉड को इस तरह से डालिए और एक हल्का सा पुश करिए, ये बस इतना सही करना है आपको और ये फिक्स हो गया इसमें। चलिए अब फाइनली बॉटल को फिक्स कर लेते हैं। तो गाइस पहले मैं बता दूं बहुत अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है ये, और मैं पानी भर के भी ले आई हूँ।
अब हमारा मॉप पूरी तरह से रेडी है, सिर्फ हमें उसमें वाटर बॉटल फिक्स करनी है। तो वाटर बॉटल फिक्स करने के लिए भी आप देख रहे होंगे कि बॉटल के साइड में ऐसे दो होल से बने हुए हैं, और जहाँ पे आपको बॉटल फिक्स करनी है वहाँ पर भी आपको दो ऐसा एरिया दिख रहा है जहाँ पे ये होल्स फिट हो जाएंगे। तो जस्ट उसको ऐसे रखिए और एक हल्का सा पुश करिए और आपकी बॉटल फिक्स हो गई। ओके गाइस, तो ये रेडी हमारा मॉप अभी फ्लोर क्लीन करने के लिए। तो चलिए गाइस, ये तो रेडी है। मैं फटाफट से आपको इसके जो स्पेशल फीचर्स हैं वो बता दूं। सबसे पहले तो जो ये मॉप है, ये जो पैड है, ये आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। माइक्रोफाइबर है तो बहुत अच्छे से आपके फ्लोर को क्लीन करेगा। 360 एंगल पे ये रोटेट होता है, दैट मीन्स कि बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए अपने घर को क्लीन करना। स्प्रे करने के लिए एक बॉटल दी है, दैट मीन्स कि आपको पोछे की तरह से बार बार गीला नहीं करना है। जस्ट स्प्रे करिए फ्लोर को और उसे मॉप से वाइप कर दीजिए, क्लीन कर लीजिए फ्लोर को। तो चलिए, आई एम ऑल सेट टू क्लीन माय फ्लोर। देखिए कितना इजी है इससे फ्लोर क्लीन करना, और ये इस तरह से स्प्रे हो रहा है पानी फ्लोर पे और फिर उसे हमें वाइप करना है। देखिए कितना स्मूथ तरीके से फ्लोर क्लीन हो रहा है गाइस। और देखिए गाइस, मैंने फ्लोर क्लीनिंग के काम में दक्ष को ही लगा दिया है, और ये बिल्कुल भी चाइल्ड लेबर नहीं करवा रही हूँ मैं, ये उसका फेवरेट काम है, उसको बहुत मज़ा आ रहा है। एक तो नया नया सा मॉप आया है, उसको नई चीज़ देखने को मिली है तो उसे लग रहा है उसका कोई टॉय है, बहुत हैप्पी होके कर रहा है। देखिए बिल्कुल बच्चों का खेल है अब फ्लोर क्लीन करना। और ये देखिए गाइस किस तरह से पानी स्प्रे हो रहा है। पीछे हैंडल के पास में दिया हुआ है वाटर स्प्रे करने के लिए एक हैंडल, जहाँ से आप वाटर स्प्रे कर सकते हैं। और इस तरह से आपको बार बार पोछा अपना या जो भी आपका पैड है उसे गीला नहीं करना है, और ये काफ़ी हद तक पानी सेव करता है, ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी। और आपको बार बार बकेट में डाल के, जो नॉर्मल मॉप होते हैं उसमें बकेट में डाल के हमें उसे बार बार गीला करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, बट इसके साथ ऐसी कोई बात नहीं है। और देखिए कितनी ईजिली ये आपके सोफे के नीचे या ऐसे टफ जगह पर जाके क्लीनिंग करेगा। तो गाइस दक्ष को तो बहुत मज़ा आ रहा है ये करने में, एंड आई होप आपके लिए भी यूज़फुल होगा ये प्रोडक्ट। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, आप वहाँ से जाके इसे देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और देखिए कि कॉर्नर क्लीन करने के लिए भी बहुत अच्छा है ये, बहुत ईजिली आपके कॉर्नर क्लीन हो जाएंगे। और इस वाले हैंडल से पानी स्प्रे होता है फ्लोर पे, और ये बाद में वॉल पे हैंग करने के लिए भी ये दिया हुआ है, इसको आप इजीली वॉल पे हैंग कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको यूजफुल लगा है ये वीडियो, पसंद आया मेरा वीडियो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी आऊँगी नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय, एंजॉय क्लीनिंग।